मेरा माटी मेरा देश, ये कैंपेन बेसिकली हमारे नरेंद्र मोदी के द्वारा स्टार्ट किया गया है। बेसिकली उनके लिए जो हमारे देश के मार्टियर्स हैं, जिन्होंने हमारे देश के लिए अपनी कुर्बानी दी है, शहीद हुए हैं, उनके लिए ये बेसिकली कैंपेन चलाया गया है और इसमें अलग अलग इनिशिएटिव लिए गए हैं। आइए इस इनिशिएटिव के बारे में, आप ऑलरेडी बहुत जगह पे सोशल मीडिया हो या फिर यूट्यूब चैनल हो और बहुत जगह पे आपने इनके बारे में सुना होगा, तो चलिए स्टूडेंट हम आपको इसके बारे में डिटेल्स में बताते हैं। मैं रविशंकर सर आपके सामने फुल इन्फॉर्मेशन फुल एनालिसिस के साथ मेरा माटी मेरा कैंपेन को लेकर के अपने सामने आए हैं। इसमें पहला इनिशिएटिव है शिला फलकम। शिला फलकम का बेसिकली मतलब क्या होता है कि हमारे जो जितने भी मार्टियर्स हैं जो अलग अलग जगह से शहीद हुए हैं हमारे राज्य में, तो उनका क्या किया जाएगा कि उनका एक स्टोन पे एक पत्थर पे उनका नाम लिख करके उस गांव में ग्राम पंचायत जहां से वो बिलोंग करते हैं वहां पे उनका लगाया जाएगा। सो दैट कि मतलब वो इस गांव से बिलोंग करते हैं, ये प्राउडली हम लोग बोल सकते हैं कि हमारे गांव से ये जो फ्रीडम फाइटर है ये शहीद हुए हैं हमारे देश की कुर्बानी में। चाहे वो मतलब स्टेट पुलिस हो, राज्य की पुलिस हो, या फिर CAPF के जवान हो, या फिर कोई सोल्जर्स हो। दूसरा इनिशिएटिव इसमें ये लिया गया है पंच प्राण प्लीज एंड सेल्फी, जिसमें ये बोला गया है कि हाथ में उस ग्राम पंचायत जहाँ से वो मार्टियर्स बिलोंग करते हैं, वो फ्रीडम फाइटर बिलोंग करते हैं, वो सोल्जर्स बिलोंग करते हैं जिन्होंने अपने हमारे देश के लिए कुर्बानी दिया, उनका उस जगह की मिट्टी को हाथ में लेकर के। अब मिट्टी का मतलब क्या होता है, एक दिया भी हो सकता है, एक कलश भी हो सकता है, हाथ में लेकर के सेल्फी अपलोड करना होगा किसके अंदर में, ये हमारा जो मेरी माटी मेरा देश कैंपेन है इसके अंदर में। तीसरा वसुधा वंदन के अंदर में 75 सैपलिंग्स लगाने होते हैं। 75 सैपलिंग का मतलब क्या होता है कि 75 प्लांट लगाने होंगे। कैसा प्लांट, जो उस जगह की खासियत होती है। जैसे कहने का मतलब हमारे असम में जो भी प्लांट पॉपुलर है उस प्लांट को, जैसे सगुन का हो गया या फिर जितने भी तरह के इंपॉर्टेंट प्लांट्स हैं उसकी सैपलिंग की जाएगी उनके गांव में। कितने की जाएगी, 75 स्टूडेंट। और इसके लिए एक नाम भी दिया गया है, इसका नाम है अमृत उद्यान। जो जहाँ पे 75 सैपलिंग लगाए जाएंगे वो बड़े होंगे और वो एक उद्यान जैसा बनेगा जिसका नाम है अमृत उद्यान। नेक्स्ट इनिशिएटिव है 13th of August। 13th of August को असम पुलिस फर्स्ट टाइम दिगली पुखरी में परेड मार्च करेगी उनकी याद में। नेक्स्ट स्टूडेंट 14th of August को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाया जाएगा। ये बेसिकली किसके लिए मनाया जाएगा, जैसा कि आप सभी को पता है कि 14th of August को इंडिया एंड पाकिस्तान का डिवीजन हुआ था, बंटवारा हुआ था, पाकिस्तान अलग हो गए थे और इंडिया अलग हुआ था, तो उसी को याद करते हुए उसमें बहुत सारे हमारे जो जवान है वो शहीद हुए थे फ्रीडम फाइटर्स लोगों के याद में, विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाया जाएगा। 15th of August नेक्स्ट, जिसका हमें बेसब्री से इंतज़ार था। 15th of August को हमारी गवर्नमेंट ने बोली कि हम वीरों के वंदन सेलिब्रेट करेंगे। और 15th of August जैसा कि पिछले साल भी आपने देखा होगा, पिछले साल भी हमने एक सेलिब्रेट किया था हर घर तिरंगा, उसी तरह से इस बार भी 15th of August को हम लोग सेलिब्रेट करेंगे हर घर तिरंगा। और दूसरा इनिशिएटिव इस बार सेलिब्रेट किया गया वीरों के वंदन। वीरों के वंदन में क्या होगा, जो भी हमारे देश के मार्टियर्स हैं जो शहीद हो गए उनके परिवार, उनकी वाइफ, उनके माता पिता को सम्मानित किया जाएगा। एक सेरेमनी ऑर्गेनाइज किया जाएगा जिसमें उनको सम्मानित किया जाएगा, उनके लिए संवेदना व्यक्त की जाएगी, साथ ही साथ यहाँ पे उनको प्रोत्साहन भी दिया जाएगा। सो ये काम किया जाएगा 15th of August को। और हर घर तिरंगा का मतलब तो आप सभी को पता है, सभी को अपने अपने घर के ऊपर तिरंगा लगाना है क्योंकि ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा दिन है 15th of August। एंड वन लास्ट आता है अमृत कलश यात्रा। अमृत कलश यात्रा में बेसिकली क्या बताया गया है कि वो गांव, वो ग्राम पंचायत जहाँ पे फ्रीडम फाइटर जहाँ से बिलोंग करते हैं, चाहे वो आर्मी के जवान हो या फिर CRPF के जवान हो या फिर CAPF सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स के जवान हो या फिर स्टेट पुलिस हो, अगर उनकी वो शहीद हुए हमारे देश के लिए किसी भी चीज़ों में, तो उस ग्राम पंचायत से मिट्टी कलेक्ट करके ब्लॉक तक पहुंचाना, ये काम 24th of August को किया जाएगा। और उस ब्लॉक से लेकर के गुवाहाटी तक मिट्टी को पहुंचाना है कलश में करके, ये काम 25th of August को किया जाएगा। और फिर 26th of August को गुवाहाटी के शंकरदेव कला क्षेत्रा में जितने जगह से मिट्टी आए हैं, मैंने एक प्रोसेस बताया, क्या प्रोसेस बताया, ग्राम पंचायत से मिट्टी कलेक्ट होकर के जाएगा ब्लॉक में,
ब्लॉक से मिट्टी आएगा गुवाहाटी के कला क्षेत्र में और गुवाहाटी आएगा और गुवाहाटी से वो कला क्षेत्र में 26 अगस्त को एक सेरेमनी फंक्शन होगा शंकरदेव कला क्षेत्र में, जहाँ से सभी जगह की मिट्टियों से थोड़ी थोड़ी मिट्टी को एक क्लस में डाला जाएगा और उसको सेंड किया जाएगा दिल्ली में। और दिल्ली में नेशनल मेमोरियल जो कर्तव्य पथ पे बनाया जाएगा वहाँ पे उस मिट्टी को रखा जाएगा। उसके बाद जो मिट्टी बचेंगे उस मिट्टी से, आपको पता है कनकलता के बारे में, गोहपुर में एक यूनिवर्सिटी बनाया जा रहा है कनकलता के नाम पर, और उस मिट्टी से कनकलता के नाम पे जो यूनिवर्सिटी बनाया जा रहा है गोहपुर में, वहाँ पे उसी मिट्टी से भूमि पूजन किया जाएगा। सो फ्रेंड, आज का वीडियो आपको कैसा लगा जरूर हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।